वो छतरी तो दिखाई दे रही है कि खड़गे साहब के ऊपर नहीं, सोनिया जी के ऊपर लग रही है। भाई वो छतरी तुम्हें दिखाई नहीं देती है, जिस छतरी को तुम लगाकर खड़े हुए हो अडानी की चांद पे, तुम तो उसकी चौखट को सलाम करते हो। प्रधानमंत्री को किसी और पर आरोप लगाने से पहले, उस पर तंज कसने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। लोग कहते हैं मैं करके दिखाता हूं, आप ये देखिए कि मैं अगर दूसरी तरफ उंगली उठा रहा हूं, देखिए मेरे हाथ को, मैं अगर यूं करके उंगली उठा रहा हूं तो एक उंगली दूसरे की तरफ है, लेकिन तीन उंगलियां तो मेरी तरफ उठ रही है ना। इसका मतलब यह है कि पहले मैं अपने अंदर झांक के देखूं। तो प्रधानमंत्री दूसरे पर उंगली उठाते हैं, प्रधानमंत्री अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखते कि कब तक वो इस देश के पूंजीपतियों की गुलामी करते रहेंगे। वो छतरी तो दिखाई दे रही है कि खड़गे साहब के ऊपर नहीं, सोनिया जी के ऊपर लग रही है। भाई वो छतरी तुम्हें दिखाई नहीं देती है, जिस छतरी को तुम लगाकर खड़े हुए हो अडानी की चांद पे, वो छतरी तुम्हें दिखाई नहीं देती। और वैसे भी प्रधानमंत्री के विषय में बोलना क्या है, जिस इंसान की भाषा असभ्यता की सीमाएं पार कर चुकी है। इन्होंने कहा था ना प्रधानमंत्री ने, कौन सी विधवा है कांग्रेस की, ये कहा ना, ये सब उन्होंने सब कुछ बोला। लोगों को कपड़ों से पहचान लेते हैं, यही प्रधानमंत्री ने बोला। यही प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि नेहरू का नाम लगाने से, यानी प्रधानमंत्री की भाषा बहुत ही संयमित होनी चाहिए, बहुत ही सभ्य होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने असभ्यता की सीमाएं सारी पार कर रखी हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को कहने से पहले, और अफसोस इस बात का कि नैतिक पतन इतना हो चुका है उनका, क्यों नहीं ये सारी चीजें कहते हुए भी जरा भी लज्जा नहीं आती है, जो कि होनी चाहिए। तो सर उनमें गलत क्या है, आपको मतलब इसमें गलत क्या लग रहा है? नहीं, मुझे इसमें सिंपल सा, मुझे सिंपल सा गलत ही इसमें सबसे बड़ा है सर वहां पे किसका जो है, कोई बात नहीं, खड़गे जी का पद बड़ा है आज की तारीख में, खड़गे अध्यक्ष है, लेकिन जो नेता हैं वो सोनिया गांधी नेता रही हैं ना, अध्यक्ष वो भी रहे हैं, और अगर वाना वहां लगा दी सिक्योरिटी उनको मिली है, सिक्योरिटी वाले तो लगाया ना, सिक्योरिटी वाले ने लगाया है, किसी और ने नहीं लगाया, तो सिक्योरिटी वाले की जिम्मेदारी है जिसकी सिक्योरिटी में वो लगा है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सुविधा के लिए वो काम करे, सिंपल बात है। माना कोई मोदी जी के जो उसकी बात है, कोई सिक्योरिटी वाला जो है मोदी जी लगावे, और साथ में कोई और भी खड़ा हो, अडानी वो खड़े हो, अंबानी वो कहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी खड़े हो, वो लाल कृष्ण आडवाणी जो है इस बीजेपी को बनाने में है, उनसे सीनियर है, और उनके वहां ना लगा तो क्या क्या किया जाएगा, क्या कहा जाएगा? भाई सुरक्षा कर्मी वो करेगा। और दूसरी बात जो कहने की है वो ये भी देखना है कि प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं बिना सोचे समझे, जो मन में आता है वो कह देते हैं। जबकि इसके अलावा जहां तक सभ्यता की उसकी बात है कि वो लगानी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को कहने का हक है क्या कुछ भी? और ये केवल मतलब और कुछ रहा नहीं, अरे तुम इस पर आवाज उठा रहे, तुम देते क्यों नहीं जवाब? राहुल गांधी ने जो आपसे सवाल पूछे हैं उनका जवाब क्यों नहीं देते? अडानी से याराना क्या है उसका जवाब दो ना, उसे नहीं दोगे और बेवजह के तंज कसोगे। सर राजनीति पहले जब भी बात करते हैं सर आप लोग अडानी पे क्यों पहुंच जाते हैं? भैया अडानी से इतना बड़ा याराना बनाया और निभाया है प्रधानमंत्री ने कि देश को ही पूरे गड्ढे में डाल दिया। पूरे देश की संपत्ति, रेलवे हो तो, एयरपोर्ट हो तो, पोर्ट हो तो, कोयला हो तो, पावर हो तो, तेल हो तो, गैस हो तो, सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया। तो क्यों ना पूछेंगे सवाल और क्यों ना कहेंगे इस बात को? बताओ ना अडानी से याराना क्या है, बताओ ना तुम जहां जहां विदेशों में गए कहां कहां उसको कैसे कैसे जो उसको वो मिले, ठेके मिले, किस किस तरह से उसके व्यापारिक फायदे हुए, और बताओ ना आपने कितने, केंद्र सरकार ने कितने नियमों को अडानी के व्यापारिक लाभ के लिए बदला? हिम्मत है तो बताओ ना, आप बता नहीं सकते, आप हिम्मत ही नहीं है। लेकिन सर बीजेपी ये कह रही है कि खड़गे नाम के अध्यक्ष है, कंट्रोल किसका है जनता जानती है। जैसे जो है ना प्रधानमंत्री, अगर उनकी बात कही जाए तो जो आज की तारीख में जेपी नड्डा हैं, वो भी अध्यक्ष है ना, नाम के अध्यक्ष हैं, लेकिन जेपी नड्डा साहब बिल्कुल प्रधानमंत्री के सामने ऐसे चलते हैं जैसे कोई वाकई उनका सेवक जो है प्रधानमंत्री की राह में चल रहा हो। भाई आओ जी प्रधानमंत्री। तो भैया अगर यहां की बात कह रहे हो तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि अपने गिरेबान में झांक के देखो। बेशक नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन भैया चलती हुकूमत किसकी है? मोदी जी की।
तो ये बात कहने से पहले सोचनी चाहिए बीजेपी वालों को उनको सब...